मैं बिकने को तैयार हूँ। तुम्हारी कीमत अदा करके भी तुम्हें पाना बहुत मुश्किल। तुम्हारी जवानी की आंच मेरे सीने में लग रही है, फिर भी लगता है तुम पास नहीं, क्योंकि ये सौदा दिल का नहीं। दिल का सौदा मैं करती भी नहीं, ये सौदा सिर्फ बदन का है। मेरे दिल का आईना तो बहुत पहले टूट चुका है, अब तो सिर्फ अच्छा तो ये तुम्हारा रेडियो है, वहां का प्रोग्राम यहाँ ये हो रहा है। जरा पंखा चला दो ना, पंखा बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी गर्मी कहाँ हो रही है। कहते तो साले समय की दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती, मुझे तो भाई अपनी नींद चाहिए। I'm very sorry. ये मैं किसके फ्लैट में घुसा है? जो चकराते हो कोई देख लेता तो बदमाश कहेंगे, जानबूझ के तुमने टक्कर मारी है। ये क्या करें भाभी जी? फिर वही भाभी जी। लेकिन लेकिन आप इस फ्लोर पर क्या करें? और किस फ्लोर पर? मगर इतनी रात गए आप। इतनी रात गए मैं और तुम भी, रात के लोग घर आते हैं और तुम भागते हो। देखिए मेरी बात सुनिए, आप इसी फ्लोर पर रहते क्या? और क्या, पीने के बाद आदमी इतना मस्त हो जाता है कि बस। देखिए मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं रहता कहाँ हूँ? मेरे दिल में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरा फ्लैट किधर गया? ये रहा तुम्हारा फ्लैट, 41 नंबर। 41 42 हाँ। अपना फ्लैट, अपने लोग, तुमने सबको पहचानना छोड़ दिया है, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है। पीने के बाद इधर उधर नहीं भटकते, आराम करते हैं। चलो आओ आराम करें। आ? चलो ना। हाँ चलते हैं, एक मिनट ज्यादा छोड़ो ना। बुरे जज, बहुत बुरे। जय, आराम दे बिस्तर पर, इतनी गहरी नींद न सोना कि फिर आंखें न खुले। दिनेश दत्त, गोवर्धन सिंह, जग्गी कपूर। वाह मेरे भाई, अरे अपनी नींद गिरवी रख के तो मैंने ये फ्लैट लिया, मैं कैसे सो सकता हूं? तुमने मुझे बहुत सताया, मेरी रातों की नींद हराम कर दी। ऐसा तुम क्या कर रहे या तकिया कर रहे हो या फोन देखते क्या हो? यहाँ और क्या करो, जरा इसे संभालो ना। हेलो माता जी। माता जी, माता जी का देहांत हो गया। साले अपनी माँ का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रखते। रख दिया। क्या है? मैं गोवर्धन बोल रहा हूँ माता जी। गोबर? ओह सर देखिए मुझे बड़ी नींद आ रही है, माफ कीजिएगा। सुनिए तो माता जी, आप तो मजाक करने लगे। ओहो अब बस भी करो ना, मैं तो खड़े खड़े सूख रही हूँ। तुम जरा बाहर जाओ। क्या? अरे ये तो मेरा ही घर है, आप मुझे इस तरह बाहर जाने को कह रहे हैं? यू आर ऑर्डरिंग मी? जी नहीं, साथ में कोई है, मैं भला आपको ऑर्डर कर सकता हूँ? मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती आपको? आपके पास पास बच्चे हैं, फिर भी ये सब लफड़ा है?
अरे अगर शर्म आती ये सब करता ही क्यों? प्लीज आप ही जरा सोचिए ना। ओके जल्दी आइए और जल्दी जाइए। बाप बन गए हो, माँ बच्चा दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। क्या करना चाहिए मुझे? कम से कम अगला बच्चा तो 3-4 साल के लिए रोक सकते। अरे अरे मुंह क्या देखता है, 41 नंबर में रहते हैं। हमको 4 आदमी से जाते रहने का ऑर्डर नहीं है। कैसा देखो आदमी है, दिल्ली बोले का हम तो 3 ही आदमी है। ये भी ठीक है, लेकिन साहब आप तो मेरे साथ 1, हम दो, टोटल 5 आदमी होते हैं। हमने कुछ छोड़ दिया। जैसा बकवास करता है, मैं उठा को लेके मैं जाता हूँ। लेकिन साहब ये लिफ्ट थोड़ी खराब है, ऊपर के बदले नीचे भी जाती है, कभी कभी बीच में अटक भी जाती है। अटक भी जाती है? अच्छा तो ऐसा करो तुम ही मेरे साथ को लेके जाओ, मैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाती हूँ। डार्लिंग सुबह दुश्मन की रेडियो से बताया कि बम्बई को रात बिल्कुल बर्बाद कर दिया और मेरा घर तो बिल्कुल हवाई अड्डे के पास है। तेरे इसको भी इसी वक्त उठना था। रात तुम थे कहाँ? रात तो मैं हमेशा घर पर ही रहा करता हूँ। तब तो रात की बम्बारी में तुम भी मारे गए। ओहो, न जाने क्यों माँ को स्प्रिंग शटर लगाने का शौक है। आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? ये क्या फरमाया आपने? जनाब मैं अपनी बालकनी पे खड़ा हुआ हूँ, आपको कोई इतराज है? अजीब मोहल्ला है, इतनी रात गए लोग सोते नहीं, ये कोई वक्त है बालकनी पे खड़े रहने का? क्या मुसीबत है, खाम खा के लिए वक्त जा रहा है। ओहो अरे बचा 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 बचा। फैशनेबल मर्दों के लिए वीआईपी अंडरवेयर और बनियान, फैशनेबल औरतों के लिए। आ गए तुम, माल आए हो? कौन है भाई? मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ बेकार बैठे क्यों हो? मैं बैठा तो मैं तो देख रहा हूँ। ठीक है अपने घर चले जाओ। हवलदार साहब मैं घंटे भर के लिए घर नहीं जाऊँ। पिछड़ा घर क्या है? झगड़ा नहीं किया तो पिछड़े जाओ अपने घर, वरना बड़े घर में बंद कर दूंगा, समझे? मालूम होता है कि तुम स्मगलर हो। अरे नहीं नहीं मैं स्मगलर नहीं हो रहा, मैं वहीं बैठा हुआ था, ऐसे ही चला आया। सुनो 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 सुनो, तो पहले पंचनामा करो, पहले पंचनामा करो, पहले ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारे बाप का नाम क्या और तुम्हारे? बोलो। मेरा नाम है बेकल चिरैया गोटी वाला। बेकल? बेकल नहीं, बेकल चिरैया गोटी वाला। हो गया नंबर नाम? दरअसल मैं फिल्मों में डायलॉग लिखता हूँ, इसलिए उधर फिल्मों में डायलॉग लिखते हो? अरे कमाल आपने किया। आइए 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 बैठिए बच्चे, पहले आपने मुझे क्यों लिखा? तो आप भी फिल्म में लिखते हैं? माफ करना भैया, मैंने क्या क्या करना जाने क्या कह दिया, आपको स्मगलर समझ। कोई बात नहीं होता सर, वैसे हम राइटर भी थोड़े बहुत स्मगलर ही होते हैं। अच्छा तो राइटर भी यहाँ वहाँ से मान लेते हैं। भाई साहब मेरी भी स्टोरी कहीं चिपका दीजिए ना। मैंने स्टोरी लिखी है, डायलॉग मेरे, गाने मेरे हैं, मगर मैं तुम्हारे पेट पे लात मारना नहीं चाहता। स्टोरी मेरी, गाने और डायलॉग तुम्हारे, मेरी बिगनिंग सुनिए। सर्दी है ना। अरे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, आइए। कम इन, कम प्लीज। यस प्लीज। मिस नीता सिन्हा, शी इज अ नाइस गर्ल। बेचारे एकदम अकेली है सर, एकदम अकेली है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जीने का कोई साधन नहीं। अगर मिस्टर चैन मिल गए होते तो मैं अब तक गुम हो चुकी होती। नो नो मिस सिन्हा, गुम सिर्फ वही लोग होते हैं जो गुम होना चाहते हैं, और जो गुम होना चाहते हैं वो सीधे रास्ते पर भी गुम हो जाते हैं। लेकिन मैं गुम होना नहीं चाहती,
मुझे किसी काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर सकती। अरे जय ने आपको बताया नहीं कि आप क्या कर सकती, ये बात तो कर ही तय हो चुकी है। क्यों जय? लेकिन सर आपने तो कहा था कि मैं पिछले चार महीनों से मुझे आप जैसी लड़की की तलाश, ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर मॉडर्न सोसाइटी की छाप ना हो, जिसकी आंखें ऐसी हो जैसे अभी अभी सपना देख रही थी, होंठ ऐसे हो जैसे अभी अभी मुस्कुराहट गुजर गई थी इन पर से। You are my dream girl. आप मेरे सपनों की रानी हैं। मैं समझी नहीं। तो मैं समझाता हूँ। अरे आप तो नाराज हो गई। दरअसल मैं तो बिजनेस की बात कर रहा था, अपनी कंपनी के लिए मॉडलिंग की। आई एम सॉरी। ये क्या कह रहे हैं आप? सॉरी तो मैं हूँ। Well, then it is settled. आप मेरी ड्रीम गर्ल बनेगी। जरूर बनूंगी। वेलकम टू द फैमिली। साइन फॉर गुड नाइट। इस माहौल में, इस बाजार में मेरी कदर, मेरे आज की कदर, मेरे जज्बात की कदर कोई नहीं जानता। You are quite right, sir. Shut up, shut up. आपने बालों में कंघी की थी क्या? बाल ठीक हो गए सर? नहीं तो कंघी तो नहीं की मैंने। No, no, बाल तो कहीं जीनियस है, जीनियस। Thank you. Morning, sir. Good morning. ये मिस नीता सिन्हा है। मिस्टर चौधरी ने इन्हें सपनों की रानी बनाने का फैसला किया है। चौधरी साहब का फैसला करने में क्या जाता है? चेहरा बेजान, आंखें वीरान, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। यू आर क्वाइट ब्यूटीफुल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैं जरा लाइट चेक कर रहा था। लाइट चेक कर रहे थे? शी इज ब्यूटीफुल। आप जाइए अपना काम कीजिए। जय, इन आंखों में रंग और इन होठों में शहद खोलना कोई आसान काम नहीं। सर आप बहुत सही जा रहे हैं। थैंक यू। जय, ये लड़की मेरे सपनों के लिए नहीं बन सकती। फिर भी अगर चौधरी साहब का फैसला है तो मुझे कुछ फिल्में खराब करनी पड़ेंगी। कुछ खराब कर ही दीजिए सर। मैं भी आया। यस सर। अरे अब तो फिर से रोने लगी। रोइए मत। देखिए हम लोग तो रास्ते के पत्थर हैं, ठोकरें खाना हमारी तकदीर है। आप यहीं ठहरिए, मुझे डर लगता है। मैं यहाँ रह के भी तो कुछ नहीं कर सकता, कपूर साहब मेरे बॉस हैं। जय, आप क्या समझा रहे हैं? जी वो मैं जरा इन्हें हौसला दे रहा था। इन्हें जो कुछ देना है वो मैं दूंगा। प्लीज गेट लॉस्ट, प्लीज गेट लॉस्ट। आप भी? मैं भी। जी सर। सर यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस। थैंक यू। वेलकम। मिस सिन्हा, मॉडल से काम लेने के लिए पहले उसे जान लेना, उसे अच्छी तरह समझ लेना बहुत जरूरी होता है, और खास तौर पे मेरे दर्जे के आर्टिस्ट के लिए। मिस सिन्हा मुझसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा? मेरे सपनों की रानी बनना चाहती हो तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मॉडल बनने के लिए आबरू की रिश्वत देना जरूरी है क्या? आबरू? आबरू किस चिड़िया का नाम है? आबरू बदन में नहीं दिमाग में होती है। ये रिश्वत देकर मुझे सपनों की रानी नहीं बनना है। नहीं बनना चाहती तो जाइए किसी आश्रम में, आबरू की माला जपिए। इस दुनिया में कहना मानने वाले लड़कियों की कमी नहीं। इसलिए ना आप क्यों खड़िया चाहिए? जस्ट से बोल रहे। मिस्टर कपूर आप किस किस्म के आर्टिस्ट हैं? जो दूसरों के दिल का दर्द और जिंदगी की मजबूरियां नहीं समझते। कोई लड़की मॉडल बनकर पैदा नहीं होती, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर मेहनत की जाती है, उसे यूं शरीर और बेआबरू नहीं किया जाता। आप शायद ये नहीं जानते मिस्टर कपूर कि जब इंसान का दिल बहुत दुखता है तभी वो रोता है। मैंने इन्हें आपके पास इसलिए नहीं भेजा था कि आप इन्हें रुलाएं। जब मैंने आपको ये कह दिया है कि ये सपनों की रानी बनेगी तो ये सपनों की रानी बनेगी। इज दैट क्लियर मिस्टर कपूर? यस सर। एंड दैट इज फाइन। मिस्टर आप सर बाहर जाइए, मैं भी आता हूं। लेकिन सर इस लड़की में यकीन मानिए साहब ही कह रहे नहीं। मैंने आपसे मिस्टर के बारे में कुछ नहीं पूछा। यू वांट योर ओन बिजनेस। आपसे जो कुछ कहा जाता है आप सिर्फ वही कीजिए। जी बहुत अच्छा। मिस्टर चलिए आप मेरे साथ, आज ही पार्टी से मिलकर सारी बात पक्की कर लेते हैं। Am I supposed to touch up my face? Let me see.
ड्रीम स्पेक्टेकल में नहीं होते, सादगी अपनी जगह पे ब्यूटी होती है। चलो अजय तुम भी साथ चलो, शायद रास्ते में कोई काम पड़ जाए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ जा रहे हो? जी अभी तो आपने ऊपर कहा। किसने कहा? वापस जाओ, ऑफिस में बहुत काम होगा। गो बैक, मेरे पीछे पीछे आने से क्या फायदा? गो बैक। अब तक आप कहां छिपी हुई थी सिन्हा? मैं सपनों की रानी आप ही बनेंगी। गुड गुड। वैसे आज शाम को क्या कर रही हैं आप? मेरी शामों में क्या दिलचस्पी हो सकती है आपको? दूसरे के शामों को अपनी शाम बनाने का मुझे बड़ा शौक है। एक्सक्यूज मी रमेश राय, मेरी बात सुनो। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। हाँ तो बात यह है रमेश, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अबे ये क्या हरकत है, चोर भी चोरी करता है तो साथ कर छोड़ के करता है। अम्मा तो पहले ही क्यों नहीं बताया? मैंने तो ये सोचा कि तुमने अपना चक्कर शुरू ही नहीं किया होगा, तो फिर मैं ही क्यों ना चांस ले लूं। यार तुम देर बहुत लगाते हो। बात मत डालो, तुम्हें तो मुझ पर हाथ साफ करने में मजा आता है। पहले तनु को ले उड़े, अब नीता पर हाथ साफ कर रहे हो। प्रॉमिस यार, मैं तुम्हारी नीता की तरफ देखूंगा भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर ये तय रहा मिस सिन्हा कि आप रंजीत के सपनों की रानी बनेंगे। I understand. Thank you very much, Ramesh. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ मैं सो नहीं रहा था सर। सर नहीं मैं हूँ। क्या कर रहे थे आप? चलिए देखिए ऑफिस बंद हो रहा है। ओह मैं इतनी देर सोता। सोने के लिए भगवान ने घर बनाया है। हाँ लेकिन क्या है कि मुझे रात को जागने की बड़ा शौक है। किसे कहना मत है, मुझे इस ऑफिस में सोने के लिए ही तनख्वाह देते हैं। अरे आपको तो हरारत लग रही है। प्लीज आप मुझे आराम करने दीजिए। बिल्कुल नहीं, आप सीधे जाएंगे अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास, उसके बाद घर। देखो मेरे घर का रास्ता जो है ना बहुत टेढ़ा है और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी तबीयत खराब नहीं है तो चलिए ना मेरे साथ शॉपिंग करने को। चौधरी साहब ने कुछ पैसे दिए हैं, कुछ ड्रेसेस खरीदनी है। चलिए ना। अच्छा चलिए चलिए। क्या कर रही हो शाम को? कुछ नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है, चलो आओ कहीं घूम आए। मेरे टांगों में बहुत दर्द है। हाँ यू हैव गॉट फाइन लेग्स। काश मैं तुम्हारी टांगों का दर्द होता। चलो बैठकर कहीं कॉफी पियेंगे। मैं कॉफी नहीं पीती। कोका कोला फैंटा ऑरेंज कुछ तो पीती हो? ये सब पीने से मुझे उल्टी होती है। डैम इट। लीजिए दवा खाइए। मगर अगर कुछ नहीं। अरे बाबा पानी दो। पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा, मुंह खोलिए। एक बात बताऊं आपको, आज पहली दफे मालूम पड़ा कि दांत खाने में कितना मजा आता है। हाँ जय। ये हवा फिर गई। ये तनु है मेरी दोस्त की बीवी। क्या खाना तो फिक्र है तो? ये कौन है? ये हाँ जो भी, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये क्या बात की है? साथ होने का मतलब कुछ और नहीं हो सकता क्या? हाँ हाँ आप अपनी जबान को जरा तकलीफ मत दीजिए। मेरा नाम नीता है। ओ जय ये किस्सा क्या है? किस्सा? अरे कुछ भी तो नहीं। तो हकीकत होगी, अगर अभी तक हकीकत ना बनी हो तो तना डालो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जैसा आपके लायक था, मैं तो एक कटी हुई पतंग हूँ, नौकरी की तलाश में
मैं ऑफिस ऑफिस थकी मगर मगर जिसने डाली बुरी नजर डाली ना जय साहब के सिवा इन्होंने ही मुझे सहारा दिया और इन्हीं के सहारे मैं उनसे मिली जिनसे शायद मेरी जिंदगी का रुख ही बदल जाए मैं इनकी बहुत एहसान मंद हूँ अभी तक तुम लोगों की चक्ति चली रही है मेरे गले का तो आपको जरा भी ख्याल नहीं डॉक्टर के पास चलना चलिए आ जाता ना बाय डॉक्टर साहब है अंदर आओ नीता नौकरी मिल गई हाँ नौकरी तो मिल गई मगर मगर क्या मिठाई खिलाओ क्या बात है नीता चुप क्यों हो गई वो मेरा बदन ऐसे टटोल रहा था जैसे कि क्या जय नहीं था वहाँ जय बेचारे क्या करते वो तो उनका बॉस था आयन मौके पर चौधरी साहब नहीं आ गए होते तो ये नौकरी बहुत महंगी पड़ गई होती देखो ना जिंदगी भी कितनी अजीब है शोभा कल तक मैं बिल्कुल बेसहारा और बिल्कुल अकेली थी आज देखो मेरे पास एक अच्छा दोस्त भी है और एक अच्छा सहारा भी सहारा चौधरी साहब कितने अच्छे आदमी हैं प्लीज लेट्स टॉक शो कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तुम ड्रीम गर्ल हो जाओगी फिल्म स्टार बन जाओगी फिर तुम्हारे पास रुपया होगा मोटर गाड़ियां होंगी आलीशान बंगलो होगा लाखों चाहने वाले होंगे और फिर ग्लैमर की तेज रोशनी में तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा अरे अरे ये क्या पागलपन तुम्हारी आंखों में आंसू फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अच्छा बाबा मान लिया कि तुम हमें नहीं भूलोगे लेकिन तुम इस दुनिया को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती हो जितनी अच्छी तरह से मैं जानती हर कोई काम निकल जाने के बाद दूसरे को भूल जाता है मैं तो बुरी बात तक नहीं भूल पाती तो आपको कैसे भूल सकती हूँ आप तो मेरी जिंदगी की पहली अच्छी बात थैंक्स लॉर्ड लेकिन तुम्हें यूं रोना नहीं चाहिए देखो ना तुमने मेरी सारी शाम को अफेक्ट कर दिया आई एम सॉरी तुम्हारे सॉरी होने से क्या होगा जानती हो आप मुझे मूड ठीक करने के लिए चार गानों वाली छह नाच वाली और पांच फाइट्स वाली और दो मर्डर वाली फिल्म देखनी पड़ेगी मैं भी चलूंगी आपके साथ नहीं नहीं इस मामले में मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ अपने गमों में किसी और को शामिल नहीं करता आप न कीजिए मैं खुद शामिल हो जाऊंगी जिद न करो मैं जिद नहीं कर रही जिसे आप जिद समझ रहे हैं वो मेरा अधिकार है मुझे क्या कह रही हो तुम आपने मुझे इतनी खुशी दी है कि आपके गमों में शामिल होना मेरा फर्ज है